हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली जो बेसिक मैथमेटिक्स है फिजिक्स के लिए हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए। जैसे हमने अभी तक जो वेक्टर में डिस्कस किए थे, तो वेक्टर में आप रियलाइज किए होंगे कि वेक्टर को अगर हमें सॉल्व करना है, वेक्टर को समझना है, तो हमें जो आपको ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, उसी तरीके से गाइस, अगर हम बहुत सारी चीजें होती हैं फिजिक्स में, ओके, अगर उन सब चीजों को समझना है तो हमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, और जो हमें रिक्वायर्ड जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो क्या क्या है? पहला जो एक क्या है, एक इक्वेशन आप देखे होंगे लाइक समथिंग लाइक दिस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आप इसको जो है, आप इस चीज को पढ़े होंगे। आप कब पढ़े होंगे? आप इसको पढ़े होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, डबल वेरिएबल के जो इक्वेशन होते हैं, या मैं डबल वेरिएबल के लिए जो इक्वेशन होते हैं उसमें पढ़े होंगे। ओके, एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो डबल वेरिएबल के लिए जो आते हैं इक्वेशन उसमें आप पढ़े होंगे। एक दूसरा जो हमारे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो ये है, और आप इसको भी देखे होंगे, ये कहां देखे होंगे आप इसको पढ़ देखे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, आई होप आप दोनों इक्वेशन से कंफर्टेबल होंगे, आप क्लास 10th में इन दोनों को पढ़े होंगे। ओके, तो गाइस देखो, मैं सबसे पहले इस इक्वेशन के बारे में बात करूंगा, और इस इक्वेशन के साथ आप इस ग्राफ से भी फैमिलियर होंगे। एक मैं रैंडम सा ग्राफ बना देता हूं कुछ इस टाइप से ग्राफ का। ओके, और ये लिखा, आप इस टाइप का ग्राफ देखे होंगे। ओके, आप कभी कभी इस टाइप का भी ग्राफ देखे होंगे, जैसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो ग्राफ है, कभी कभी आप इस टाइप का ग्राफ देखे होंगे। और क्या देखे होंगे आप, जो है कभी इस तरीके से भी देखे होंगे, एक के ऊपर एक कॉन्साइड करते हुए दोनों। ओके, इस टाइप का ग्राफ देखे होंगे क्लास 10th की जो बेसिक मैथमेटिक्स की बुक है। हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम इन ग्राफ को समझने वाले हैं। हम इस ग्राफ को क्या करने वाले हैं, हम लोग इस ग्राफ को समझने वाले हैं, और इस चीज को समझने के लिए मैं एक सिंपल इक्वेशन लूंगा, और वो सिंपल इक्वेशन क्या होगा, वो ये होगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। चलो, तो आई होप गाइस आप इस बात से, आप ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखकर आप घबराए नहीं होंगे, और आपको लगता होगा नहीं ये तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, ये हमें पता है। चलो, एक काम करता हूं, मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन करता हूं, क्लीन करने के बाद हम इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और समझते हैं। गाइस देखो, आप इस इक्वेशन को देख करके अगर आपके दिमाग में क्या क्या कंक्लूजन निकालोगे, आप इस इक्वेशन का मैं बोलूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, अगर मैं बोलूं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये इसका जो ग्राफ होगा वो होगा एक स्ट्रेट लाइन, या क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, एक चीज आपको इसके बारे में ध्यान तुरंत जाएगा, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, अगर मैं इससे कंपेयर करूं, तो इसका देखो ये डिग्री क्या है, इसका वन, डिग्री वन है,
तो दिस इज गोइंग टू बी द लीनियर या स्ट्रेट लाइन, या बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगा। ओके और देखो ये इस इक्वेशन से पता चला, और जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट, पॉइंट रिक्वायर्ड 2 पॉइंट, हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। ओके क्लास 9 में आप इस चीज, इस टाइप की चीजों को ड्रॉ किए होंगे। अगर हमें इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए तो देखो मैं अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूं, देखो ऐसे में हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस। ओके तो अगर मैं यहां पर एक्स की 2 वैल्यू निकालूं, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 लिया जाए तो वाई इज इक्वल टू 0 हो जाए, और दूसरी वैल्यू में मैं क्या लूं, अगर एक्स इज इक्वल टू 1 लू वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमारी जो 2 वैल्यू हैं वो बेसिकली यहां पर है, एक 0 0 हो गया, यह एक पॉइंट होगा। आप देखो ध्यान से देखो, एक हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 0। दूसरा जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1 1। ओके तो ये 2 पॉइंट मिल गए। अब ये जो लाइन है ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है और हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है, तो सारे के सारे जो पॉइंट हैं, अगर देखो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं इसको इसको, तो भाई हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, बिकॉज किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ऐसे, और एक्सटेंड कर दिया आगे पीछे, तो दिस इज आवर लाइन। यह क्या है? ये हमारा लाइन है। ओके और आप ध्यान से देखो, मैंने इस इक्वेशन की मदद, इस इक्वेशन को एक ग्राफ के फॉर्म में, एक ये देखो बेसिकली क्या है भाई, इसको ग्राफ मतलब एक ग्राफ के फॉर्म में, या मैं बोलूं ज्योमेट्री के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। आप बात को पकड़ना, इक्वेशन, इक्वेशन को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्राफ में, या मैं बोलूं ज्योमेट्री में, मैंने इक्वेशन को किसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्राफ में या ज्योमेट्री में, समझ रहे हो? तो कोई किसी भी इक्वेशन की, किसी भी इक्वेशन को आप उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये है। ओके आई होप गाइस आप इस चीज को क्लास 9th में, क्लास 10th में किए होंगे, स्पेशली जो 2 पॉइंट वाला, ये वाला जो चीज है आप क्लास 9th में किए होंगे। ओके तो ये हमारा लाइन हो गया। चलो अब इसमें हमें फर्दर आगे बढ़ने से पहले, मैं कुछ और चीजों पे हम लोग जो है अपना ध्यान फोकस करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं इस लाइन को कुछ इस फॉर्म में लिखूं, वाई इज इक्वल टू यहां पे माइनस ए बाई बी एक्स, माइनस सी बाई बी, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं और इसको मैं लिखूं माइनस एम एक्स और इसको लिख दूं कैपिटल सी। ओके इसको मैं क्या लिख दूं? कैपिटल सी। तो इस चीज को मतलब इस, ये जो इक्वेशन, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ओके इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, इस चीज को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, और मैं इस फॉर्म का एक सिंपल इक्वेशन लूं, इस फॉर्म का एक सिंपल इक्वेशन क्या होगा कि सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, सी इज इक्वल टू 0 और एम इज इक्वल टू क्या हो? 1 हो, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। यह क्या होगा भाई? ये एक सिंपल इक्वेशन होगा इस फॉर्म का, अगर एम इज इक्वल टू 1 है तो दिस इज गोइंग टू बी द माइनस एक्स।
या एक काम करता हूं, मैं इसको माइनस एम नहीं, मैं इसको एम लिख लेता हूं, माइनस ए बी को मैं एम ले लेता हूं। सो वाई इज इक्वल टू एक्स, या एक सिंपल ये समझ लो, मैं माइनस हटा दिया, एम को पॉजिटिव ले लो। ओके, सो वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया। और वाई इज इक्वल टू एक्स को ध्यान से देखोगे गाइज, तो ये क्या है, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं वाई इज इक्वल टू एक्स। ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन दोनों सेम है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और मैं ले जाऊं, तो व्हाट कैन आई राइट हियर, अगर मैं m की वैल्यू 2 लेता हूं, अगर m इज इक्वल टू क्या लू मैं 2, सो आई कैन राइट y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू क्या लिया जाए 2x। इस चीज यहां पर भी जो हमारा मेन फोकस वो है वो इस पॉइंट 2 पर है। ओके, जो हमारा मेन फोकस है कहां है, 2 पे। तो देखो, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, हमें पता है इसका ग्राफ क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। क्यों होगा, बिकॉज वाई पे पावर 1 है और एक्स पे पावर 1 है, वाई पे पावर 1 है और एक्स पे पावर 1 है, सो ग्राफ इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो मुझे दो पॉइंट है इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई इज इक्वल टू 2। ओके, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं पॉइंट देखूं तो देखो, एक मेरा पहला मतलब इस लाइन के लिए, अगर ये जो इक्वेशन है आप ध्यान से देखो, मैंने अगेन इस इक्वेशन को ये y इज इक्वल टू 2x, यह एक इक्वेशन है, यह क्या है, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मैं किसके किसके टर्म में किसमें रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ज्योमेट्री को, समझ लो, इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूं ज्योमेट्री, इक्वेशन कन्वर्टेड टू ज्योमेट्री या ग्राफ। ये बात ध्यान देने वाले, इक्वेशन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ग्राफ में, समझ रहे हो। सो गाइस देखो, मैं इस वीडियोस को बनाने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट से मिला था जो बेसिकली भभुआ के बिहार में भभुआ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। ओके, आई होप अगर वो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो जो भी उनका सजेशन होगा उसमें वो जरूर वैल्यूएबल सजेशन देंगे। ओके चलो, तो हमारा एक पॉइंट क्या हो गया, अगर मैं यहां पर दो पॉइंट अगर हमें मिला है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2, तो देखो ये x इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2, 2 समवेयर यहां पाएगा, इक्वलेंट यहां पाएगा, तो देखो हमारी जो लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं और एक्सटेंड कर दूं, सो दिस इज आवर लाइन। ये क्या है, ये दिस इज द लाइन फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स, दिस इज लाइन फॉर वाई इज इक्वल टू 2x। ओके चलो, और ज्यादा देखा जाए, और ज्यादा देखा जाए तो अगर मैं y इज इक्वल टू 3x ड्रॉ करूं, y इज इक्वल टू 3x ड्रॉ करूं, तो देखो y इज इक्वल टू 3x ड्रॉ करूं तो अगेन यह इक्वेशन है, इसको मैं आई कैन कन्वर्ट इट इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कन्वर्ट, किसी भी इक्वेशन को आप ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ज्योमेट्री में मैं कन्वर्ट करने से मतलब है हम उसको ग्राफ बोलेंगे। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं ग्राफ में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब ये जो एक्चुअली इसका जो ग्राफ होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी बेसिकली स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री होगी। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, तो हमने पहला जो हमने लिया एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
चलो मैं इसको अगर ड्रॉ करूं तो देखो हमारा जो एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू थ्री, ये लेंथ समहाउ ये वन है टू है थ्री, यहां इस लेंथ को मैं मान लू थ्री। तो ध्यान से देखो हमारा ये जो पॉइंट है दूसरा पॉइंट वो यहां पर है, मैं इन दोनों पॉइंट को यहां पर ये पॉइंट वन थ्री, ये पॉइंट क्या है वन टू, यह पॉइंट क्या है वन वन, तो इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं आई विल गेट माय लाइन। ओके ओके गाइस, अच्छा एक चीज देखो, आई होप गाइस आप सभी लोग एक टर्म सुने होंगे, जितने भी लोग हैं वो इस टर्म को सुने होंगे, वो सुने होंगे स्लोप। जिनके घर में भी लाइक कोई काम हुआ होगा, लाइक घर बनाने का, जिनके यहां पर भी कोई घर बनाने का काम काम हुआ होगा, जैसे सीढ़ी बनी होगी, आपका बाथरूम वगैरह बना होगा, तो आप जरूर सुने होंगे कि जब लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई इसका स्लोप ये देना, इसका स्लोप मेंटेन रखना, समझ रहे हो स्लोप। आई होप आप सभी लोग इस टर्म को सुने होंगे। स्लोप का क्या मतलब है कि कोई चीज कितनी ज्यादा, मतलब कितने ज्यादा एंगल पर है, स्लोप का क्या मतलब है। जैसे देखो कितनी ज्यादा एंगल पर क्या मतलब है, मेरा क्या मतलब कहने से क्या मतलब, जैसे देखो ये एक जमीन है, ये क्या है ये ग्राउंड है, रोड है। अब ये देखो, अभी देखो ये मैंने अपने, जैसे सपोज करो आपको क्या है, आपको ओवर ब्रिज पे चढ़ना है, किसी पुल पे चढ़ना है, किसी पुल पे चढ़ना है, तो पुल पे चढ़ना है, जब आपका पुल इस तरीके से इतना रहेगा, ऐसे रहेगा, आप क्या बोलोगे भाई ठीक है आप आसानी चढ़ जाओगे, लेकिन जब ऐसे हो जाएगा तो आप क्या हो भाई बहुत स्लोप है, बहुत ज्यादा स्लोप है, बहुत दिक्कत है चढ़ने में कि नहीं। तो स्लोप बेसिकली क्या बता, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिकली ये मेजर करता है कि आपका ये एंगल कितना है, ये एंगल, ये वाला एंगल क्या है, समझ रहे हो, ये एंगल, ये थीटा वन है, दिस इज थीटा टू। तो देखो कि ये जो एंगल, अगर थीटा वन इज लेस देन थीटा टू देन किसका स्लोप ज्यादा होगा भाई, थीटा टू का स्लोप ज्यादा होगा थीटा वन से। ओके तो स्लोप का बेसिक मतलब क्या है कि जो रेफरेंस है, रेफरेंस है आप कोई जो दूसरा चीज है वो कितने एंगल पर है, बेसिकली आप यही बोलोगे ना कि इसका स्लोप क्या है, स्लोप इसका स्लोप कम है, इसका यह क्या है मोर स्लोप, इसका स्लोप ज्यादा है। और यही चीज अगर मान लो ये चीज इसी तरीके से रहे ऐसे तो लोग कोई स्लोप नहीं है, एकदम प्लेन रोड है, समझ रहे हो। तो और इस चीज का एग्जाम्पल कहां से मिलेगा, तो आप आपको कहां से मिलेगा, तो आपके हाउस में होगा, घर में, लाइक आप देखे होंगे जैसे आपके किसी बाथरूम का पानी, किसी बाथरूम का पानी क्या होता है प्रॉपर तरीके से ड्रेन नहीं होता होगा, तो आप लोग सुने होंगे अपने घर में कि यार इस बाथरूम का जो स्लोप है वो सही से मिस्त्री ने नहीं बनाया है। ओके लाइक सीढ़ी आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है, घर की जो सीढ़ी होती है बहुत खड़ी हो जाती है, मतलब एक एक सीढ़ी जो है कुछ इस तरीके से, ये आपका ये ग्राउंड लेवल है और आपकी सीढ़ी कहीं ऐसी रहे, तो लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा स्लोप है, चढ़ना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, स्लोप जो है बेसिकली एंगल, ये जो आपका लेवल है, लेवल से कोई चीज कितने एंगल पर है, दैट एंगल इज मेजर बाय स्लोप। तो ये बेसिक मतलब हो गया। अब ध्यान से देखो ये अगर मैं ये इस एंगल की बात करूं, यहां पर मान लो दिस एंगल इज थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, अब मैं स्लोप की बात करूं, मैं स्लोप की बात करूं तो क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा, थीटा थ्री का होगा, इसका स्लोप क्या होगा भाई, हाईएस्ट स्लोप होगा थीटा टू का, थीटा थ्री का, उसके बाद किसका होगा थीटा टू, उसके बाद थीटा वन। तो आप समझ देख रहे हो स्लोप एंगल ज्यादा,
स्लोप ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा है स्लोप ज्यादा, मतलब थीटा वन का सबसे कम स्लोप होगा, थीटा वन सबसे कम स्लोप। ओके थीटा वन सबसे, उससे ज्यादा स्लोप किसका, थीटा टू का, उससे ज्यादा किसका स्लोप, थीटा थ्री का। और आप एक चीज देखो, इस लाइन ये जो थीटा थ्री ज्यादा क्यों है, थीटा थ्री ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका इक्वेशन इस तरीके से लिखा गया है, यहां पर m की वैल्यू 3 है, यहां पर m की वैल्यू क्या है 3 है, यहां पर m की वैल्यू क्या है 2 है, यहां पर m की वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा देखो y इज इक्वल टू, मैं अगर ये ग्राफ लिखूं y इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 को अगर मैं ड्रॉ करूं तो, y इज इक्वल टू 0 को अगर मैं ड्रॉ करूं तो चलो y इज इक्वल टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, ठीक है राइट, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स। तो एक चीज देखो, यहां पर ये x हो गया, दिस इज y, ओके ये x हो गया, ये y हो गया, x इज इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूं, y इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 0, मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, y की वैल्यू क्या आएगा 0। तो गाइस देखो, अगर मैं इस ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, इसको अगर मैं ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो हमारा एक पॉइंट क्या है 0 0, एक ये पॉइंट है 0 0, ओके। और हमारा दूसरा जो पॉइंट हमने लिया वो क्या होगा 2 इंटू 1 0, दूसरा जो पॉइंट लिया 1 0, और 1 0 समवेयर यहां पर होगा। और ध्यान से देखो गाइस, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 या क्या है ये, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। और क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि x पर पावर हमने क्या लिया है, 1 लिया है, x पर पावर क्या लिया, 1 लिया है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। तो अगर देखो मेरे पास दो पॉइंट हो गए, एक 0 0, एक ये 1 0, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं। अच्छा एक चीज देखो, ये अब ये जो लाइन है, ये वाली y इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या है, क्या इस ये कोई एंगल बना रहा है, ये y इज इक्वल टू 0 कोई एंगल बना रहा है, आंसर है नहीं, ये जो x एक्सिस है उसी के ऊपर है, मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई स्लोप ही नहीं है, 0 स्लोप है, नो स्लोप, इसमें क्या है, कोई स्लोप ही नहीं है, इसमें कोई भी स्लोप नहीं है। आई होप गाइस, आप पहला चीज आप जो है स्लोप क्या होता है इसका मतलब समझे होंगे, ओके। और आपके दिमाग में एक चीज आ गया होगा कि स्लोप का, अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन में, मतलब यहां पर 1 से 2 से 3 से, यहां पर 0 से कुछ ना कुछ लेना देना है, ओके। और स्लोप बेसिकली क्या होता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। और यहां पर जो ये यहां पर इसके साथ जो m की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, अगर हम इसको अभी इसको ठीक है 0 ले लेते हैं, यहां पर m की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या होता जाएगा भाई, उतना ही ज्यादा स्लोप हो, ओके। m की वैल्यू जितनी ज्यादा, स्लोप उतना ही ज्यादा। तो गाइस आई होप आपको ये जो मेरा मतलब एक्सप्लेनेशन है स्लोप को लेकर के वो समझ में आया होगा, ओके। तो मैं इस बोर्ड को क्लीन करता हूं और हम फर्दर आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्लोप के बारे में, ओके गाइस। तो मैं एक फिर से अपने एक जो सिंपल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स पे आता हूं, y इज इक्वल टू एक्स पे आता हूं। और अब हम क्या समझेंगे, हम क्या देखें कि भाई y इज इक्वल टू एक्स का एक ग्राफ होगा, और वो जो ग्राफ होगा बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, और इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो होगा 0 0, और एक पॉइंट जो होगा इस पे वो होगा 1 1, ओके। हमने अभी जस्ट पॉइंट निकाला था कुछ देर पहले, और इन दोनों पॉइंट को अगर मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और तो एक लाइन बनेगा, और उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, तो वी विल गेट ऑल द पॉइंट, वी सेटिस्फाइड All the point we satisfy this equation. हमें क्या मिलेगा? All the point. All the point.
विच सेटिस्फाइड, ओके विच आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके ये इसको क्या करने वाले, जो सेटिस्फाई करने वाले हैं वो सारे पॉइंट हमें मिल जाएंगे। अब देखो ओके अब हम थोड़ा सा इसमें और ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करते हैं। हमें जब ये जो पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा था वन वन जब मैं पॉइंट लाया था तो मैंने क्या किया था भाई, इसमें एक्स वन मीटर वन यूनिट चले थे, फिर वाई में भी वन यूनिट चले थे। ओके यह लेंथ हो गया वन, यह लेंथ हो गया वन। गाइस ध्यान से देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा है, और मैं इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं व्हाट आई गेट हियर, टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाई वन। ओके गाइस देखो जब मैं वेक्टर में पढ़ाया था तो मैं बोला था कि ये जो टैन थीटा वन बाई वन है यह किसी ना किसी एंगल के लिए होगा। ये हमारे केस में जो टैन थीटा की जो वन इज इक्वल टू वन यह कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके थीटा इज इक्वल टू क्या है 45 डिग्री। चलो अगर हम हमारा जो दूसरा इक्वेशन था वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू 2x, हम अगर इसके ग्राफ की बात करें तो हमारा 1 पे y की वैल्यू क्या रही थी भाई 2, x इज इक्वल टू 1 को y की वैल्यू क्या रही थी 2 आ रही थी, और हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता। ओके गाइस ध्यान से देखो ये हमारा थीटा 2 है, ये लेंथ 1 है, व्हाट कैन आई राइट हियर tan थीटा 2, tan थीटा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा 2 जो है ये देखो ये लेंथ 1 है ये लेंथ 2 है, आई कैन राइट 2 बाई 1 ओपेंडिकुलर बाई बेस 2 बाई 1, तो वो व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा 2 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं y इज इक्वल टू 3x, तो भाई यहां ये वाला जो लेंथ होगा दिस लेंथ, ये जो पॉइंट है यह पॉइंट होगा आपका 1 3, और ये पॉइंट होगा 1 2। गाइस अगर मैं इस केस में ये जो थीटा 3 एंगल है इसकी बात करूं तो हमारा ये जो लेंथ होगा, मैं tan थीटा 3 की बात करूं तो ये बेसिकली क्या होगा भाई, ये लेंथ 3 है और बाई बेस 1, दैट इज द 3। ओके आप अगर गाइस आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओके सी पर भी हम आएंगे, सी की वैल्यू हमने इस केस में 0 ले ली है, तो आपका ये जो m है ये बेसिकली क्या देता है, ये tan थीटा है, ये m क्या है, ये tan थीटा है। एंड यहां पर थीटा क्या है भाई, थीटा इज बेसिकली स्लोप, थीटा क्या है बेसिकली स्लोप है। ओके और मुझे इस तरीके से बोलना, मतलब एक्चुअली हमने एंगल के टर्म में समझा जिस समय स्लोप बोल रहा हूं, नहीं तो मैं मुझे क्या बोलना चाहिए, यह जो थीटा है यह थीटा क्या है बेसिकली एंगल, थीटा इज बेसिकली एंगल विथ एक्स एक्सिस। ओके और ये जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा, टैन थीटा की वैल्यू जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा, तो लोग इसी को बोलते हैं कि भाई यही स्लोप बताता है, जो टैन थीटा है वही स्लोप है, तो यहां पर यह क्या है भाई, दिस इज द स्लोप, यह क्या है, ये स्लोप है। इसका क्या मतलब है, ये जो स्लोप है इसका क्या मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप होता है y इज इक्वल टू एम एक्स,
प्लस सी। यह क्या है, यह बेसिकली स्लोप है। मैं स्लोप का मतलब बोलूं तो एक स्लोप को कैसे मेजर करते हैं, तो हम मतलब लॉजिकली देखा जाए तो हम किसके थ्रू पता करते हैं, एंगल देख करके, और मैथमेटिकली हम टैन थीटा को स्लोप बोल देते हैं। ओके, जो एंगल है, एंगल का जो टैन थीटा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और इसको हम रियलाइज कैसे करते हैं, एंगल को देख करके। ओके, सो किसी भी लाइन को आई कैन राइट इट एज स्लोप इंटू एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। ओके, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो, और मैं ये बोल रहा हूं, ये जो इसकी जो वैल्यू है ना, वो इस सी से इंडिपेंडेंट है। सी जो कॉन्स्टेंट, जो स्लोप की वैल्यू है, वो सी पर डिपेंड नहीं करती है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी की वैल्यू मैं 1 ले लू, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। y इक्वल टू क्या है, x, मैं इससे क्या ग्राफ बनाता हूं, y इक्वल टू x प्लस 1 का मैं ग्राफ बनाता हूं। देखो यहां पर, इस जगह पर मैं एक ग्राफ बना देता हूं, ठीक ना, y इक्वल टू x प्लस 1। तो x y यही दो वेरिएबल है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये हमारा पहला पॉइंट क्या है, जो हमारा पॉइंट हो गया वो हो गया 0 1, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, या पॉइंट 0 1 जो होगा कहीं यहां पर होगा। ओके, दूसरा जो पॉइंट है हमारा 1 2 है, तो यह लेंथ 1 है, ये समवेयर यहां पर 1 होगा हमारा, और जो 2 होगा 2 कहीं यहां पर होगा। ओके, अप्रोक्सीमेटली तो देखो एक एक पॉइंट हमारा ये पॉइंट हो गया, 1 2, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, ये एक ये पॉइंट, एक ये, मैं इस दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, देखो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया, और फिर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं पीछे। ओके, तो ये हमारा लाइन क्या हो गया भाई, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, अब देखो अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे ये एंगल निकालना है, दिस एंगल, या एंगल थीटा। तो हमें ये वाला पॉइंट तो पता नहीं, ये वाला देखो, ऐसे देखो एक चीज देखो, ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा, यहां पर y की वैल्यू 0 है, मतलब x इज इक्वल टू, मैं y की वैल्यू 0 लिखूं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, माइनस 1, माइनस 1 0, और ये पॉइंट क्या है हमारा, 0। देखो गाइस, अगर हम जब ज्योमेट्री की बात करें तो हमारा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज अवर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं देखो अब मैं यहां पर फिर से अगर मैं टैन थीटा निकालूं, टैन थीटा, तो यह क्या होगा बेसिकली, यह लेंथ 1 हुआ, यह लेंथ 1 हुआ, 1 बाई 1, दैट इज। तो एक चीज देखो, ये जो स्लोप है, स्लोप वो किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल किस पे, एम पे, सी पे डिपेंड नहीं करता, सी जस्ट अ कॉन्स्टेंट। ओके, सी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। तो आई होप गाइज आपको यहां पर जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ओके, एम की वैल्यू जितनी ज्यादा, स्लोप उतना ज्यादा। चलो गाइज, हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और आपको दिमाग में एक चीज ध्यान में रखना है, बैठा लेना है, कि आप किसी भी इक्वेशन को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन को वी कैन रिप्रेजेंट इन ग्राफ। ओके, किसी भी इक्वेशन को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, ग्राफ में। सो दैट्स ऑल गाइस, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो इक्वेशन है किस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।
फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।